फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें, सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को सात रुकनी बेंच से अलग कर लिया। आपकी ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते, आप किस बात पर इस अदालत के मुअज्जिज जज पर एतराज उठा रहे हैं? चीफ जस्टिस का अटर्नी जनरल से मुकालमा, कहा एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच पर बार बार एतराज उठाया जा रहा है। मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूं, कोई एक उंगली भी उठा दे मैं फिर कभी उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से अटर्नी जनरल के एतराज पर रिमार्क्स, कहा समझने की कोशिश करें, ये जजेस का अपना फैसला है, मैं ये केस नहीं सुन सकता। कायम मकाम सदर ने फाइनेंस बिल 2023-24 की मंजूरी दे दी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत किए। कौमी असम्बली ने इतवार को फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का मामला, एफआईए ने परवेज़ इलाही को जेल से गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ एलएनजी रेफरेंस में फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर 10 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत अदालती दायरे इख्तियार चैलेंज कर रखा है। प्री मानसून का पहला ही स्पेल तबाहकुन, इस्लामाबाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशों से अर्बन फ्लड की सूरत हाल पैदा हो गई। जुड़वा शहरों में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी और बारिश से हादसात की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स जान भाग जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। सूबे भर में 3 घरों को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जान बहक। हादसात नारोवाल, सियालकोट और शेखुपुरा में पेश आए। नारोवाल में रतनपुर, पंचपीर और चंगवाली में आसमानी बिजली गिरी। मुसलसल बारिश से लाहौर और तालाब का मंजर पेश करने लगा। मूसलाधार बारिशों से रावलपिंडी मवेशी मंडी तालाब बन गया। जगह जगह खड़े पानी और कीचड़ से व्यापारी परेशान। इंतजामिया मंजरियाम से गायब। व्यापारियों की अपनी मदद आप के तहत सफाई शुरू। बारिश की चंद बूंदे पड़ते ही सिस्टम बंद, के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फिल फॉर मुअत्तल किया जाए। हाफिज नईम रहमान का मुतालबा, कहा तमाम हुकूमतें के इलेक्ट्रिक के आगे झुक जाती हैं। कौन सी ताकत है जो के इलेक्ट्रिक का माफिया की सरपरस्त है? माफिया जल्द बेनकाब होगा। सिर्फ जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोलती है। हुकूमत का आज़्म है कि पाकिस्तान में इस्लामी निफाज नाफिज हो। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कहती हैं मुआशी निज़ाम को सूद से पाक किया जाएगा। 5 साल के अंदर मुआशी निज़ाम को इस्लामी बना देंगे। कमेटी कायम की है जिसमें बेहतरीन स्कॉलर शामिल हैं। हुकूमत ने फेडरल शराई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ की अपीलों को वापस लिया। मुल्की तरक्की और खुशहाली का बोझ तालीम याफ्ता नौजवानों ने उठाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नौजवानों ने ही मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। आला तहकीक के शोबे में हमें दौरे जदीद के चैलेंजेस के मुताबिक आगे बढ़ना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा के पहले कन्वेंशन से खिताब। IMF मुआहदे का इम्कान, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1015 पॉइंट इजाफे से 41,080 पॉइंट पर पहुँच गया। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك।
मनासिक हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज की मीना आमद रात खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज मीना में मैदान अरफात से रवाना होंगे, जहां आज़मीन हज का रुकन आज़म वकूफ़ा अरफा अदा करेंगे। वफाकी वज़ीरे मज़हबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद की वज़ारत मज़हबी उमूर के हुकाम से मुलाकात, हज मिशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली। कहते हैं हुजाज कराम को सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ईदे कुर्बान की आमद, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, व्यापारी और खरीदारों के दरमियान भावताव जारी। खरीदारी में तेजी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को पूरा करने वालों का महंगाई का भी शिकवा। ईद कुर्बा की तैयारियां, शहरियों ने बड़ी तादाद में छुरी चाकू की दुकानों का रुख कर लिया। माफिया ने भी मौका गनीमत जानकर गाहकों की जेबों पर कैंची चला दी। हरे मसाला जात, लहसुन प्याज टमाटर समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया।